इसको खाना दे। सुन देखो ना, क्या पता कोई नया आया लगता है। ए, दो चाय एक बिना शक्कर, इसका पैसा कौन देगा? तेरा बाप। क्या? मेरा बाप, वो पापा के खाते में लिख देगा। अच्छा, लिख देगा। ए, लिख दे रे, खाते में लिख दे पापा। अंकल पैदर भाई, दो पराठा एक चाय। पराठा नहीं बचेगा, और कुछ बोल। ये कौन है रे? पता नहीं, लगता है पराठे से इसकी कोई पुरानी दुश्मनी है। गोरा भैया, तेरी तो क्यों बे? साले मना किया था ना, घर से निकल कर। साला तो तू है ना? हाँ जी, समझ बोलिए। हाँ जी, काटने लगा। सिया बन के घुस जाए। मैं तो गधा हूँ, मैं सब बकरी हूँ, मैं कुत्ता हूँ, मैं मकड़ी हूँ। मैं सच कहता हूँ, मैंने मारिया को देखा हो। क्या बोला? अभी नहीं, सच कह रहा हूँ। मना किया था तुझे घर से निकलने के लिए। अरे यार, लगता है मैं देरी से आया। कब छोड़ू ये विलेन? ये पिंटू, मार्केट में मारपीट बहुत मजा आ रहा है। कितना टाइम के बाद मिसाल है ये ले। ये किंग कॉन्ग कहाँ से मिला? कुएं से। कुएं से? हाँ, रस्सी डाल के निकाला। अबे वो मेंढक है जो कुएं से मिला, सच बोलना। इधर 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 आ यार। अरे तू आ इधर। अरे क्या कर रहे? क्या है? मैं जानता हूँ ये कौन है। कौन? तेरा भाई है ना? हा? है ना? अरे वही जो सालों पहले तुम लोगों को छोड़ के चला गया था। क्या नाम था उसका? सैम। सैम भैया है ना? है ना? तो मुझसे नहीं छिपा सकता, सही पहचाना ना मैंने। अरे इसीलिए तो मुफ्त में तेरी जान बचा रहा है, मैं जानता हूँ। है ना? है ना? है ना?
तूने ढूंढ लिया तूने बदमाश। दर्द कैमरा नहीं है क्या? मैं जानता था। अरे यार तू बकरी है तो वो शेर है, शेर। मेरी बात सुन, उसको खिला पिला के सांड के जैसा बना के रख, तेरी सुरक्षा करेगा। हाँ। लॉटरी लग गई तेरी। सही बोल रहा है यार। पिंटू अंकल, क्या हुआ? जोसेफ अंकल मर गए। अरे वाह बेटा, चॉकलेट दूंगा। ए, ए, जोसेफ की साइज का रेडी है ना? ओ ताबूत निकाल जल्दी, फटाफट लेके जा हॉस्पिटल लेके जा। 12 दिन लगा दिया जोसेफ ने मरने में। इतने दिन से रजिस्टर में नाम लिखा था जोसेफ जोसेफ जोसेफ, मरता ही नहीं है। क्या ढूंढ रहे हो? क्या चाहिए? कुछ काम। क्या क्या कहा तुमने? काम? तुम्हें काम चाहिए? वो भी इस गांव में? ओ भाई साहब, वहां बाजार में जो इतने सारे लोग तमाशा देखने खड़े थे ना, वो क्यों खड़े थे? हाँ, क्योंकि वो सब खाली है, कोई काम धंधा नहीं है उनके पास। फिर खाना? अरे यार हद करते हो तुम भी। ये तेरा बाप बकरी, किसने कहा तुमसे कि पेट भरने के लिए काम करना जरूरी है? हाँ मुझे देखो, मैं कुछ काम करता हूँ फिर भी 3 टाइम जमा के खाता हूँ। अगर तुम्हें भी ऐसे ही मुफ्त का खाना खाना है तो पूरे गांव में बस एक ही जगह है और वो है मेरा घर। लेकिन वहां रहने के लिए तुम्हें बस एक छोटा सा झूठ बोलना पड़ेगा। बोलोगे ना? हाँ चलो, कोई बात नहीं, मैं झूठ बोल दूंगा। हाँ तुम टेंशन मत लो। लेकिन मैं जो बोलूंगा ना उस पे बस हाँ मैं मुंडी हिलाना। हाँ उतना तो करोगे ना? तुम क्या सिर्फ खाने के लिए मुंह खोलते हो? डांबिस। क्या बोला? हाँ क्या डांबिस? क्या मतलब? नहीं नहीं जो भी बोला, देखो मेरी बात सुनो, इस दुनिया में कोई भी किसी की मदद यूं ही नहीं करता। हाँ? तो मेरे इस एहसान के बदले में तुम्हें मेरी रखवाली करनी है, रक्षा। एक चींटी भी मुझे काटनी नहीं चाहिए। चींटी? थैंक यू। चलो मैं अपने परिवार का इतिहास बताता हूँ। क्या बाकी है? मैं नहीं मानता। मैं भी मान नहीं रहा था पापा, बिल्कुल नहीं। लेकिन जब वो पीटर के मुस्टंडे बच्चे मुझे मार रहे थे ना, तब ये अचानक बीच में आया और बोला, ए, किस साले ने मेरे भाई को मारा? आ? आ? ओ, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। अरे मुझे तो जरा भी विश्वास नहीं था माँ। मैंने पूछा भी उससे, ए, कौन है तू? कहाँ का भाई? तू आया क्यों है इस गांव में? तो कहने लगा, जॉनी जॉनी तूने मुझे नहीं पहचाना, मैं सैम। अरे इतना सा था तू जब तुझे कंधे पे बिठा के स्कूल ले जाता था। लेकिन तब भी मुझे पूरा विश्वास नहीं हुआ। लेकिन माँ जब उसने मुझसे कहा कि जॉनी तुझे याद है, बचपन में लीली नदी में गिर गई थी, तब मैंने डुबकी मार के उसे बचाया था, तब साला मैं हिल गया। मैं बोला यही मेरा भाई है। आपको भरोसा नहीं है तो चलो चलो पूछ लो उससे। नहीं, चलिए ना, पूछ लीजिए उससे। माँ का नाम, बाप का नाम, दादा का नाम, परदादा का नाम सब याद है उसे। एक बार आप उसके चेहरे को देखिए। हाँ मतलब वक्त के साथ इंसान का चेहरा थोड़ा बहुत बदल जाता है, लेकिन फिर भी गौर से देखिए उसके चेहरे को और याद कीजिए अपने 16 साल के बेटे सैम को। हाँ उम्र का थोड़ा बहुत फर्क होगा इधर उधर, लेकिन चलिए। नहीं चलिए चलिए ना चलिए।